वियर्ड सी नहीं हूँ वैसे आपस के बाद ये तो मैंने सोचा ही नहीं ना अच्छा इंट्रो दिया शुरू में आई वाज एक्सपेक्टिंग कुछ तो वापस आएगा आप जिंदगी में कुछ लोगों को देखते हैं और आप सोचते हैं कि वाओ इतनी छोटी एज पे उन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया है हरीम फारूक भी उन्हीं लोगों में से एक हैं फ्रॉम प्रोडक्शन ड्रामा फिल्म थिएटर टू मॉडलिंग क्या कुछ नहीं किया उन्होंने आज हम गपशप करेंगे हरीम फारूक के साथ क्या हाल है हरीम मैं ठीक हूँ थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रो सीरियसली दैट वाज सुपर काइंड बड़े दिल से आया था थैंक यू थैंक यू अच्छा हरीम लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइट हरीम की आइडियल डेट क्या है एंड आई एम गोना गिव यू सम ऑप्शन Thank you. a romantic candlelight dinner, walk on the beach, a trip to a theme park, dodging cars, right? Or watching a romantic comedy with popcorn and ice cream. Wow, I think all of them combined. Really? So starting from a theme park. Oh my goodness. okay. Ending up with a candlelight dinner. Yeah. With a walk on the beach, yeah. and then just a cozy night watching a good film, probably. Yeah. So maybe both. बेचारे बंदे की तो लग जाएगी. बेचारा मुझे बहुत तर्स आ रहा है. पता नहीं कौन होंगे बेचारे जो भी होंगे. But that would be like my ideal date. Yeah. You know, with ending up doing all that stuff. Yeah. So okay. Nice. Okay. अच्छा. So you like your man with beard or clean shave? Beard. So there's a tough beard. अच्छा इस सवाल का जवाब मुझे honestly चाहिए. What is the first thing that you notice when you meet a guy? Apart from the height? Like his looks, his watch, his shoes. So it's pretty weird, but apart from the height, the first thing I notice is the height. Because I myself am very tall, so it's like I notice the height. And then secondly, it's the hands. Oh, okay, okay. मैं थोड़ी weird सी नहीं हूँ वैसे आपस के बाद. आप में से जो जो हरीम के फैंस हैं और आप मिलना चाह रहे हैं मेक श्योर यू टेक गुड केयर ऑफ योर हैंड्स बिकॉज़ दैट्स द फर्स्ट थिंग शी विल बी नोटिसिंग व्हेन शी सीज यू और उसमें भी मैं बड़ी वो हूं पिकी वैसे आप अच्छा नहीं किस को चाहिए बड़ा इंटरेस्टिंग है किस किस्म के हाथ आपको पसंद है देयर शुड बी मैनली बट देयर शुड बी नीट एंड क्लीन एट द सेम टाइम सो मैनली हैंड्स मैनिक्योर्ड है ना दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ओके सो टेल मी आर यू अ गर्ल हु लव्स फ्लावर्स ज्वेलरी और चॉकलेट फ्लावर्स पैसे का ज़्यादा नहीं लगता नहीं चढ़ जाते हैं जूते नहीं इट्स फ्लावर्स आर समथिंग व्हिच जस्ट कैन मेक माय डे एनी टाइम इट्स लाइक आई लव गिविंग फ्लावर्स आई लव रिसीविंग फ्लावर्स आई थिंक इट्स जस्ट स्वीट सो हरीम फारूक थॉट ऑफ समथिंग बट वाज नॉट एबल टू अचीव इज देयर समथिंग नॉट एज येट I believe that whenever you think about achieving something, you need to have the right intention and you need to work towards that. You might not achieve it within a day or within a month, but you need to have that focus. So far, achieved all what I planned to. अब हम थोड़ा serious चीजों की तरफ जाते हैं. अच्छा ठीक है. ठीक है. It's our observation that in our film industry there are groups. Okay. Okay. You will always see Sharia Munawwar in an Asim Raza film. It's Nabeel and Fiza. You will see Fahad Mustafa. It's Humayun Saeed, Basse, and Ahmed Ali Bhatt. It's Hareem, Imran, and Ali Rahman. Why? Is it good? Is it bad? What do you think? You know, I feel it's not intentional, to be very honest. Okay. जितने भी groups हैं. Really, you think so? हाँ, I'll tell you why. हमारी इंडस्ट्री एज इट इज़ बहुत छोटी है ठीक है और फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है सो व्हेन आई थिंक एवरीवन हैज़ देयर ओन कंफर्ट जोन रादर देन कि बस हमने इसी को रखना है और इसी को प्रमोट करना है इट्स मोर अबाउट द कंफर्ट जोन यू नीड टू नो कि हु आर यू वर्किंग विद यू नीड टू हैव अ वेरी गुड केमिस्ट्री एंड आई एम टॉकिंग एज अ प्रोड्यूसर नॉट एज एन एक्टर राइट नाउ यू नीड टू हैव वेरी गुड केमिस्ट्री विद द एक्टर्स टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट अ फिल्म इन पाकिस्तान ऑन टाइम सो आई थिंक ऑल द नेम्स दैट यू टेकन दे हैव अ वेरी गुड केमिस्ट्री दैट वे इट्स द सेम विद अस वी नो के हमें हाउ वी गोना वर्क टुगेदर हम कितने आराम से काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा बिकॉज यू डोंट वांट दैट एक्स्ट्रा हासिल
Having said that, I think next time हम सारे पुग लेंगे. चलो क्रिस क्रॉस द ग्रुप. But you're right. I agree to the fact that we need to work with more different people. And I think aista ho raha hai. We're getting to that place. Inshallah. Tell me, as a child when you were growing up, like, you know, were you very naughty? Bahut seedhi bachchi thi? Kya tha? Amma se khub joote padte the? Kya? Koi manta nahi hai. I was a very shy kid, by the way. I was an introvert. I was hoping kuch maze ki stories milengi. Nahi, main apni behan se maar khati hoti thi. Choti behan se? Meri behan na dekhe bas interview, mujhe phir maar padegi. Choti behan se. But I was an introvert. I was literally... और मेरा बस ये होता था कि मैं अभी वो आते भी हैं थोड़ी सी मेरे में, लेकिन मुझे बस ये होता था कि मैं अपने दोस्तों में और अपने कजिन्स में बस घूम रहती थी. चार पांच में रुकते थे उनके साथ रहती थी. एंड आई वुड ऑलवेज बी उन्हीं के साथ सारी शरारतें होती थी, उन्हीं के साथ सारा शुगल होता. मैक्सिमम जो मैंने बहुत शरारती हरकत की हुई है वो ये है कि दोपहर को जब अम्मा बस सो जाते थे तो मैं उधर अम्बियाँ लगी होती थी, वो कच्चे आम हमारे एक दरख्त होता था, वो मैं और मेरी कज़न वो जाके तोड़ के खाते थे. गला ख़राब उसके बाद? नहीं, खट्टी चीज़ों से नहीं होता मेरा, पता नहीं क्यों. अच्छा, अब हम ना तो तुम्हारे साथ कुछ शुक्र लगाने लगे. ठीक है, ओके. आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंग्लिश सॉन्ग्स, यू हैव टू ट्रांसलेट देम इन पंजाबी. ओहो, ठीक है. ठीक है. आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू, वी पुश एंड पुल लाइक मैग्नेट्स टू. मैं शेप की पंजाबी क्या होती है कि मैं तेरी, अच्छा, आई डोंट नो द शेप पंजाबी ऑफ शेप, बट ठीक है, मैं तेरी शेप दे नाल इश्क करदा ते जिवें दो जो दो मकना तीस होंदे ने असी जुड़ जाने हां. पुश एंड पुल, असी कबड्डी खेलने हां. Spend 24 hours. I need more hours with you. Asi 24 ghante guzar lene te thode je hor chahide ne. Okay. My parents will be so proud of me. Oh, sing it. Chalo aage kya karte hain. I don't even know this song, by the way. Not this. Kaun sa song hai? Tell me a time when you used your fame to get something. Used my fame to get. First, I need to realize whether I'm famous or not. Really? Seriously? Yes. I'm telling you, you are famous. Ab now I will try to get something. Famous होने का ना जायज़ फायदा उठाया. मैं बता रही हूँ ना कि मैं नहीं. Seriously? कभी कुछ extra reservation कहीं? कोई जगह नहीं मिल रही तो मैं हरीम फारूक हूं. नो नेवर नेवर नेवर. आई जस्ट थिंक दैट्स वेरी दैट साउंड्स वेरी शोदा यार. जिसको पता होगा मैं हरीम फारूक हूं वो खुद ही जगह बना देगा, जो नहीं पता तो आई डोंट वांट टू डू एनी थिंग्स, आई डोंट वांट टू मेक थिंग्स ऑकवर्ड फॉर एनीवन. और मुझे वाकई नहीं पता मैं फेमस हूँ कि नहीं. मीट माई पेरेंट्स, मैं उनको उस दिन कही थी लोग कहते हैं तुम बड़ी सेलिब्रिटी, घर आती हूँ औकात पता चल जाती है. So no, never. So अम्मा अब क्या करते हैं, like what do they do to keep you grounded? बर्तन धुलवाते हैं. Seriously? हाँ, चाय बनवाते हैं. हाँ. I find it very hard to believe कि तुम बर्तन धो रही हो. मैं उनको यही बोला था, this is exactly what people say to me. So they're like, अब कोई बात नहीं, करो करो. मैंने कहा अच्छा, but I think my family and my friends, they really keep me grounded. They keep me very close to reality, which is very important for me. People seem to be saying a lot about the way you dress, right? And we see Hareem going on the way she likes to. Are you telling everybody that I'm going to dress up like I do, I'm not going to live up to the shallow standards that you guys have? Yeah. Okay. I feel one should dress up for themselves, to be very honest, whatever they're comfortable in. There are certain places I do really like to get ready and I go and I wear those. If somebody wants to dress me up, why not? Yes, yeah. I would love that. But at the end of the day, I have to wear what I'm comfortable with.
अभी यहाँ पे शो पे आने से पहले मैंने कहा मैं ये वाला ड्रेस पहन के जाती हूँ, मैंने वो वाला ड्रेस निकाला, आई वाज लाइक ओके आई एम नॉट कंफर्टेबल यार, आई डोंट नो, आई जस्ट वेयर माय जींस एंड माय टी-शर्ट एंड लाइक माय टी-शर्ट, इट्स लाइक योर टी-शर्ट इज सो सॉरी, इट्स लाइक सी द यूनिकॉर्न, मुझे बहुत मजा आ रहा है, हाय थैंक यू, सो इट्स लाइक आई थिंक योर स्टाइल शुड इज नॉट व्हाट कम्स फ्रॉम योर क्लोथ्स, इट्स समथिंग दैट you define as a person, your confidence defines as a person. Okay, okay. So as long as you're confident, you're looking good, it's okay if a few social media Nazis don't like it, that's fine. It's okay. You recently went to Paris representing L'Oreal. So koi kuch wahan hua, kisi ne kuch kaha, kuch hua that you know aapka dil pride se bhar gaya, you know, you were like, wow, I'm here, and it's so nice to see Pakistan being talked positively, or you being there representing Pakistan. Every time I met someone who was from some other country or or from L'Oreal themselves, L'Oreal Paris or whatever, the first thing that I would hear was like, oh, so you're from Pakistan. I was like, yes, I am. So I think that was something that really it gave me that sense of pride that for them, and they didn't say it in a bad sense, you're from Pakistan, it was more of it was like, you know, okay, very few people, a lot of people actually, their perceptions changed about Pakistan. I'll be honest, a lot of people, a few of them didn't even know where Pakistan was. Oh, seriously? A few of them, yes. Okay. And I'm talking about people who were, I'm talking about 5,000 to 6,000 people worldwide, ठीक है, जो वहाँ से वहाँ आए हुए थे. So obviously a few of them did not know, and then उनको पता चला, and then this is the first image that they get to see from Pakistan, that too at a L'Oreal event, and then there was क्या कहते हैं. Then there were people who were really happy to see that, you know, Pakistan mein, there are progressive people. Yeah. Then there were the ones who already knew Pakistan because Mahira had been there, so they already knew. So it was, for me, every time I met somebody that was, that made me very happy, that made me very proud, because every time I would, whenever you're going abroad or even in Pakistan for that matter, you need to know one thing, you need to remember one thing, and this is at least what I feel. Yeah. I'm not Hareem, I'm not a producer, I'm not an actor over there. I am a Pakistani. It's very simple. Even on the ground, even here when I go, I am not Hareem, not producer, not an actor. I am a Pakistani first and then something else. Whatever I am today, whoever I am today, मुझे इसी मिट्टी ने बनाया, मेरे मुल्क ने बनाया, आई कैन नॉट डिसओन इट, मेरी आंखों में हर दफा आंसू आते हैं, सीरियसली, इट्स लाइक आई एम टच्ड, तुमने इतनी अच्छी बात बोली, थैंक यू, मेकअप ना खराब जाए दोनों का, मेरा तो कंफर्म जाएगा. So it's something which has been embedded in my head, in my heart, from my family. I've seen my family being so patriotic and only work for Pakistan. I've seen that. And I've seen the love they have for their country. And I think that I inherited that. And I love my country. And I think one thing that I am adamant on and I will do it is that clean that negative image Pakistan has. Give it a softer image. And it deserves that. Pakistan deserves that image. So yeah. About social media in our lives, what do you think? No comments? I froze there for a second. I think it has its pros and cons. Social media, the only reason I love social media is I love socializing with my fans. Yeah. I love seeing the love that there is. I'm done with the negativity. I don't get into kaun kahan tha, kyun tha, all these comments that go on. I'm like, I'm a very pendu when it comes to social media. Dur dur rehti hu. I'm a very pendu when it comes to my phone. I'm like, no. So it's like, I think I just enjoy the love that there is, and how it has made everything. No, everything is global. Everything is just one now. So I think I enjoy that. There are pros to it. But I feel that there are a lot of cons to it as well.
I suggest people to stay away from social media, or even if they are on social media, just be very mindful of what you're saying. Don't just write whatever you want to. You should be aware of the fact that thousands and millions of people will be watching that certain comment, will be reading that certain comment, or will be watching that certain product. Yeah. So be very mindful of what you are showing, or what you are portraying, or what you are saying. It might affect someone out there, and it might affect them in a very negative manner. True. So be mindful of that, and that's about it. Otherwise, the love that there is, it's beautiful. It is. So, ab serious baatein khatam kar dein. Thoda hum phir se kuch shovel karte hain. Okay. Acha, I'm gonna say a few situations or statements to you. Okay. You can only reply in a song. Okay. Gana gana hai. Sirf aur sirf. ठीक है. रोई इतने मैंने गाने कहे हैं ये लोग बंद ना कर दे. Ready? Challenge. Yeah. Okay. कल आपको पता चलता है कि आपकी नेक्स्ट मूवी के को-स्टार अदील हुसैन हैं। Your reaction in a song. मर जावा, मर जावा। अदील, sorry, I love you. If हमायूं सईद was producing पर्ची 2. बचना ऐ हसीनों लो में आ गया। उस्मान खालिद but tweets that he will not tweet anymore. अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं. I don't think he'll ever do that, by the way. We also think so, but Allah ना करे. That's why we put that situation. अच्छा, you are making your third film, fourth, not Heer Manja, the one after that, ठीक है, इंशाल्लाह. And Ali Rehman is begging you to cast you. What song will he sing? मेरी पैंट बी सेक्सी, मेरे शूज बी सेक्सी, मेरी शर्ट बी सेक्सी. I think so, yeah. Okay. Now my team has given you four names. Okay. Or three names, I think. So you have to egg them out, and I will guess. Yeah. कि वो कौन है? Okay. सबसे आसान वाला करते हैं, ठीक है? किरण. शाहरुख खान. There you go. Wow, I was so bad. Even then she guessed it. उससे भी आसान. हाँ. Okay. रिश्ते पे तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. अमिताभ बच्चन. ये अच्छा यार. It has nothing to do with my acting skills. These names are too easy. अच्छा. नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह guess करूँ. Hello, मेरे भी कुछ skills हैं. I'm a good guesser. अरे हाँ. Sorry. Full मैंने अपने पे credit दिया ना सारा. मुझे भी credit. ये तो मैंने सोचा ही नहीं. इतना अच्छा इंट्रो दिया शुरू में. I was expecting कुछ तो वापस आएगा. Let's do it again. Okay. नहीं नहीं नहीं. अब मैं आपको इनके guessing skills दिखाती हूँ. And you have to know कि she's very good at it. Okay. Last वाला. वो हम सफर था. फवाद खान. या मायरा. दोनों में से एक ही बता. फवाद खान. मैंने पहले ही बोला था. ये देखिए, ये आपने चेक किए कि इनके गेसिंग स्किल्स, आप कहीं भी चले जाएं दुनिया से बाहर. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा भाई, मुझे ये बताओ, डू यू हैव अ 2 AM फ्रेंड, अ पर्सन यू कैन कॉल एनी टाइम, ठीक है? यस यस यू डू. यस. अच्छा, कैन यू कॉल दैट पर्सन नाउ? या या. उठाए बंदा है, उठाए ना. यही तो है, यू हैव टू नो कि उठाएगा या उठाएगी. चैलेंज कॉल. And you have to call that person, tell them how great an interview you are having. Okay. Wait for it. Let's see who she's gonna call. We don't know who it is. Kazi! मैं वापस तो आई हूँ. अच्छा सुनो, एक सेकंड रुको, इससे पहले को तुम कुछ और बोलो. मैं फ्यूचर के इंटरव्यू पे हूँ, मैंने तुम्हें कॉल किया. यल्ला, तेरा लाख लाख शुक्र है तुमने कॉल उठा ली. और मैं तुम्हें इसे ये बताने के लिए कॉल किया कि मैं फुशिया के कूल इंटरव्यू में बैठी हूँ. मैंने बहुत कूल इंटरव्यू किया. कसमी, थैंक यू. कॉल उठ गई, पता, मैं सोच रही थी कॉल ना उठी तो क्या होगा. चलो फिर मैं तुम्हें करती हूँ कॉल. है, बाय.
शुक्र है किसी मीटिंग में नहीं बैठा नहीं मेरे बट ही इज़ माई 2 AM फैन. वो वाकई मैं इसके सुबह के 5 बजे कॉल करूँ या 2 बजे या किसी मीटिंग में भी बैठा हो कहीं भी हो ही विल ऑलवेज पिक अप माई कॉल इवन इफ ही डजंट पिक इट अप एट दैट टाइम इज़ गोइंग टू कॉल मी बैक देयर एंड देन. लास्ट सेक्शन ओके वी आर गोना शो यू 3 ट्वीट्स दैट पीपल सेड or tweeted about you and you can respond to them what you would have liked to said but you didn't say at that time. Okay, here's the first one you can read. Okay, bahut bahut Rehman sahab ka aap pareshan ho gayi main aapka tweet padh ke. Rehman sahab keh rahe hain bahut bada muh hai inko Punjabi films mein kaam karna chahiye. Ye kya criteria banaya hai aapne? छोटे मुंह वाले नहीं पंजाबी फिल्म से काम कर सकते. आई एम अफेंडेड पंजाबी फिल्म वाले पार्ट पे. ये ईमान फहीम 222 222 तुम कितनी बेशर्म हो थोड़ी हया नहीं है तुम्हें. Why? Why? Riday dot Asif, kindly tell your social media team to at least learn how to liquefy properly. It's so visible that you try to shrink your legs. I don't think so. It's not possible. And liquefy. It's okay, dude. Come on. I mean, chalo, I'll let them know. और है ओके सबसे लास्ट चीज जो हम सबसे बोलते हैं कि करने के लिए यू हैव टू स्पेल फ्यूशिया फॉर अस. हां इट्स सो इजी वेट फॉर इट. FUCHSIA नो फ्यूशिया को क्या हो गया. वेट फॉर इट कहां है. कहीं नहीं है हमने इसीलिए सब जगह से उठा दिया है. अल्लाह अब ये भी कहेंगे लोग इसको अंग्रेजी भी नहीं आती स्पेलिंग भी नहीं आती पेंडू भी है. ओके मैं सोशल मीडिया टीम को बोला जाएगा इसको इंग्लिश पढ़ाओ. इसको अपनी सोशल मीडिया टीम को तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया पूछे अपनी. वेट फॉर इट एफ यू ठीक है. वेट फॉर इट आई एम वेटिंग. एफ यू इट इज एस सी एच आई एन नो एस नहीं है. चलो एस नहीं है. ओ शिट चीनी 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 एफ यू सी एच हां आई ए नो दिस ई ए डी ए सी ए क्या है दुनिया थोड़ी है. ओके चलो एफ यू सी एच यहां तक सही है ठीक है. और आई ए भी सही है. कैन यू लाइक अ हैंगमैन वाला थिंग. हां बीच में एक रह गया है. कैन वी डू कैन वी मेक 3 गेसेस. हां यू टेल मी. ओके सो एफ यू सी एच आई आई ए तो है ना. एफ यू सी एच ये है और आई ए ये है उसके बीच में यहां मिसिंग. हां बहुत लंबा है. S F U C H S I A. She got it finally. Yay! पिछले वाला सारे एडिट करके लगा दिए. नहीं नहीं यार लगा दे. Nothing. Thank you so much, Hareem, for giving us time. We had a great time talking to you. Thank you for having me, by the way. It actually was a lot of fun. I enjoyed it. I thoroughly enjoyed it. So if somebody asks you about this interview, what would you say? कि जाएं अगर आप इंडस्ट्री में से हैं तो प्लीज मेक श्योर यू आर सिटिंग हियर. इट्स अ लॉट ऑफ फन बट फॉर द ऑडियंस यू गाइस हैव टू वॉच इट. इट्स किसी और का भी देख ले मैं सिर्फ अपनी ही बात कर रही हूं. आई एम श्योर बाकी सारे भी वॉच चुके हैं बट इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड आई थिंक इट वाज वेरी ऑर्गेनिक. आई रियली लाइक्ड इट. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू.